हे हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ आर यू डूइंग मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन आयुर्वेदा के इंग्रेडिएंट्स को दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हैं और आज जो मैं प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ ना उन सब में भी यही इन्ग्रीडियंट्स होते हैं हाँ उसके लिए आपको थर्टी डेज रुकने की ज़रूरत नहीं है मैं आपको अपना बिफोर और आफ्टर दिखा देती हूँ ये देख लीजिए तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्टी डेज चैलेंज में सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनजिंग उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ गुडवाइव लेमन रिफ्रेशिंग फेस वॉश स्किन को ब्राइटनिंग करता है क्लीन भी करता है और स्किन को हाइड्रेट भी रखता है गुड वाइफ्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनमें उन सब में नो पैराम नो मिनरल ऑयल और नो no सल्फेट होता है इसके अंदर लेमन है जो कि सी से, से भरपूर है और आपकी स्किन को ब्राइटनिंग भी करेगा और पिगमेंटेशन को भी थ्रेड्स करता है और अगर आपको पोर्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी इफेक्टिवली क्लीन करता है और आप और तो आपकी स्किन इंस्टेंटली रिफ्रेश फील करती है लुक एट माई स्किन अब बारी आती है हमारे सेकेंड स्टेप की इस स्टेप में हम अपने फेस पे स्टीम लेंगे लेकिन मेरे पास तो कोई स्टीमर है ही नहीं और वो थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है बट डोंट वरी मेरे पास है घर का देसी नुस्खा उसके लिए मैं लूंगी एक छोटा सा टावल और गर्म पानी गर्म पानी आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही लेना है जितना आप सह सको चावल को आपको गर्म पानी में डिप करना है और वो अपने फेस को ऐसे स्टीम देना है बेसिकली उसे सेकना है मैं स्पेशली अपने ओपन पॉसेस पे चीन एरिया पे और नोज़ अराउंड पे से अच्छे से स्टीम दे स्टीम से हमारे पोस्ट ओपन हो जाते हैं और पोर्स में जमी डट लूजन अप हो जाती है जिसे बाद में हम एक्सट्रैक्ट करेंगे सेकेंड स्टेप हो जाने के बाद में अब बारी आती है थर्ड स्टेप की थर्ड स्टेप में हम स्किन को एक्सपोलिएट करेंगे इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ गुडवाइस डीप क्लिनिंग फेस स्क्रब विद लेमन एंड वॉलट्स ये वाला जो फेस स्क्रब है ना वो रिड्यूज़ करता है स्किन डैमेज को इनहेंस करता है स्किन टोन को रेड्यूज इरिटेशन एंड रेडनेस को भी कम कर देता है स्पोर्ट्स को लाइटन करता है और इसके अंदर जो वॉलट्स है ना वो क्लीन करता है आपके वाइट

मीडी रेड तो इसके बाद में आप कोई भी फेस जेल यूज कर सकते हो या फिर कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो और अगर आप चाहते हैं तो अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर लगा करके इस प्रोसेस को यहीं पे एंड कर सकते हो लेकिन मैं इसके अंदर एक दो स्टेप और ऐड करूंगी और हाँ एक और बात जब हम महंगे पार्लर में जाते हैं और एक महंगा फेशियल करवाते हैं ना तब वहां पे भी हमारे यही स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं बस फर्क इतना होता है कि वो हमसे बहुत सारे पैसे ऐंठ और अब हम स्किन के पीएच लेवल को कंट्रोल करते हैं जो कि आप कर सकते हो अपने फेवरेट टोनर के साथ में मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अगेन गुड वाइफ्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर स्किन को हाइड्रेट करता है सूथिंग करता है और रिफ्रेश भी करता है क्योंकि इसके अंदर एप्पल है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल स्किन टाइप है अब हम आते हैं हमारे लास्ट स्टेप में जो कि है फेस सिरम या फिर फेस मसाज भी आप इसे बोल सकते हो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गुड वाइज का रोजिब रेडियंट ग्लो फेस सीरम लाइट एंड नॉन स्टिकी है अगर आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप, कर आप मसाज करने के लिए मेरे पास ना तो ये है और ना ही ये है लेकिन मेरे पास मेरी उंगलियां हैं तो मैं अपनी उंगलियों की हेल्प से इस डायरेक्शन में फेस को मसाज करूंगी इसके लिए आपको प्रॉपर फेस मसाज आना चाहिए इसके लिए आपको कोई महंगा प्रोडक्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी कर सकते हो और ये बहुत इजी हो जाता है मसाज करने के भी अपने एक तरीके होते हैं अगर आप गलत तरीका यूज करोगे तो आपके फेस पे एक अलग इफेक्ट होगा फेस मसाज के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आने वाली हूँ लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को

ज़रूर बताना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मैं मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय